गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स आज हम करेंगे हमारी हिज फर्स्ट फ्लाइट बुक के भोली लेसन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिसे लिखा है के ए अब्बास ने तो अब हम शुरू करते हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप बने रहिए मेरे साथ ताकि हम इस लेसन को अच्छी तरह से समझ सकें क्वेश्चन इज वट वाज भोलीज रियल नेम होली का असल में नाम क्या था ऑप्शन ए सुरेखा बी सुलेखा सी चंपा या डी सुदेखा एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी भोलीज रियल नेम वाज़ सुलेखा भोली का असली नाम सुलेखा था हाउ मेनी डॉटर्स रामलाल हैड रामलाल की कितनी बेटियां थी ऑप्शन ए टू ऑप्शन बी थ्री ऑप्शन सी फोर एंड डी सिक्स वी ऑल नो दैट रामलाल हैड फोर डॉटर्स एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी हाउ डिड भोली डैमेज अ पार्ट ऑफ हर ब्रेन भोली के दिमाग का एक हिस्सा किस तरह से प्रभावित हुआ उसे क्या नुकसान हुआ ऑप्शन ए fell फ्रॉम अ cot. बी फॉलिंग ऑफ स्टेयर्स सी शी वॉज हिट बाय अ कार एंड डी स्मॉल पॉक्स द राइट आंसर इज ऑप्शन ए fell फ्रॉम अ cot. बचपन में वो पलंग से नीचे गिर गई थी जिसके कारण उसके दिमाग पर चोट लगी वट वॉज हर फादर भोली के पिता क्या थे मीन्स भोली के पिता का गांव में क्या पद या स्थान था ऑप्शन ए विलेज सरपंच बी विलेज तहसीलदार सी विलेज नंबरदार और डी नन ऑफ दी दबो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी ही वॉज विलेज नंबरदार भोली के पिता गांव के नंबरदार थे एट वट एज डिड भोली बिगिन टू स्पीक भोली ने कितने साल की उम्र में बोलना शुरू किया ऑप्शन ए टू ईयर्स बी फाइव ईयर्स सी फोर ईयर्स एंड डी वन ईयर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी भोली बिगैन टू स्पीक वैन शी वॉज फाइव भोली ने पांच साल की उम्र में बोलना शुरू किया हु रामलाल एल्डेस्ट डॉटर रामलाल की सबसे बड़ी बेटी कौन सी थी ऑप्शन ए राधा बी मंगला सी चंपा एंड डी सुलेखा दी राइट आंसर इज ऑप्शन ए राधा वॉज दी एल्डेस्ट डॉटर ऑफ रामलाल हाउ इज दिचुएशन ऑफ दी हाउस डिस्क्राइब रामलाल का जो घर है उसके हालात लेसन में किस तरह से वर्णित किए गए हैं इट मीन्स रामलाल का घर जो था वो कैसा था ऑप्शन ए पुआ बी मिजरेबल C, C, prosperous and D, fine. The right answer is option C because Ramlal was a village -dar. Ramlal का -dar था तो उसके घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी इट वॉज ए प्रॉस्परस हाउस एक खुशहाल घर था वट वॉज purpose ऑफ the तहसीलदार village विजिट तहसीलदार के गाँव में आने का क्या मकसद था किस उद्देश्य से आया था क्यों आया था ऑप्शन ए टू इनाग्रेट अ गर्ल्स स्कूल बी टू एड्रेस कंप्लेंट्स ऑफ द विलेज सी टू मीट सम इम्पोर्टेंट पीपल एंड डी टू अटेंड अ मैरिज द राइट आंसर इज ऑप्शन ए ही केम टू विलेज टू इनग्रेट आ गर्ल्स स्कूल तहसीलदार गांव में लड़कियों के स्कूल का उद्घाटन करने आया था वीड दसीदारहसीलदार ने रामलाल को क्या करने को कहा ऑप्शन ए ड्रॉप हिम बैक टू द सिटी बी है

दे सेंड भोली टू तो स्कूल रामलाल की पत्नी ऐसा क्यों कहती है कि हमें भोली को स्कूल भेज देना चाहिए ऑप्शन ए देर वॉज लिटल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड बी हर हजबेंड कुड नॉट डिस ओबे तहसीलदार ऑर्डर्स सी सी टोक इट टू टीचर्स एट स्कूल टू वेरी अबाउट हर एंड डी ऑल ऑफ द अब दाइट आंसर इज़ ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबाव रामलाल की पत्नी ये सोचती थी कि भोली की शादी के बहुत ही कम चांस हैं दूसरा ये कि उसका पति रामलाल तहसीलदार के ऑर्डर्स की अनदेखी नहीं कर सकता था उसे मानना था और तीसरा वो चाहती थी कि कुछ देर के लिए भोली स्कूल में रहे और टीचर से ही उसका ख्याल रखें तो उत्तर हुआ ऑप्शन डी हु वाज लक्ष्मी लक्ष्मी कौन थी ऑप्शन ए लक्ष्मी वाज इज फ्रेंड बी भोल क्लासमेट सी भोल सिस्टर एंड डी भोल इज काउ दी राइट आंसर इज ऑप्शन डी लक्ष्मी वाज इज काओ, लक्ष्मी भोली की गाय का नाम था वट डिड इट टेक फॉर भोली टू बिलीव बींग टेकन टू अ प्लेस बेटर भोली को स्कूल ले जाया जा रहा था उसे ऐसा क्यों लगा कि आज उसे घर से कहीं अच्छी जगह पर ले जाया जा रहा है ऑप्शन ए क्लीन ड्रेस बी हेयर ऑयलिंग सी अ बाथ एंड डी ऑल ऑफ द अबो आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबो उस दिन पहली बार भोली को साफ कपड़े मिले बालों में तेल लगाया गया उसे नहलाया गया जिससे भोली को ये लगा कि आज उसे घर से कहीं अच्छी जगह ले जाया जा रहा है विच पिक्चर्स डिट भोली सी ऑन द स्कूल वॉल जब भोली स्कूल पहुंची तो उसने स्कूल में कमरे की दीवारों पर कौन सी तस्वीरें देखी ऑप्शन ए पैरट बी काओ सी गोट एंड डी ऑल ऑफ दि अबो दि राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दबो उसे ये सब तस्वीरें वहां देखने को मिली डिड द गर्ल्स लाफ एट भोली भोली की क्लास में वो जो लड़कियां थी उन्होंने भोली का मजाक क्यों उड़ाया ऑप्शन ए एट हर ड्रेस बी एट हर लुक्स सी एट हर स्टैमरिंग एंड डी ऑल ऑफ दी दबोव द राइट आंसर इज द गर्ल्स लाफ एट भोलीज स्टैमरिंग उन सभी लड़कियों ने भोली के हकलाने पर उसका मजाक उड़ाया हाउ डिड भोली फाइंड द टीचर ऑन हर वेरी फर्स्ट डे इन द स्कूल अपने स्कूल के पहले ही दिन भोली ने अपनी टीचर को कैसा पाया उसे उसकी टीचर कैसी लगी ऑप्शन ए क्रूअल B, hard, C, kind and loving, and D, all of the above. The right answer is option C. She found her teacher kind and loving. How did she leave school on the first day? भोली ने अपने पहले ही दिन स्कूल से घर जाते हुए कैसा महसूस किया? उसे कैसा लगा ऑप्शन ए सैड बी विद अ रे ऑफ होप फॉर न्यू लाइफ सी डिप्रेस्ड दैट शी विल स्टे वेयर शी इज एंड डी नन ऑफ द अबो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी शी लेफ्ट द स्कूल विद अ रे ऑफ होप फॉर न्यू लाइफ वट अश्योरेंस डिड द टीचर गिव भोली भोली की टीचर ने भोली को क्या आश्वासन दिया क्या तसल्ली दी ऑप्शन ए सोन सी विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरी वन एल्स बी शी विल स्कोर गुड मार्क्स सी शी विल बी पार्ट ऑफ स्कूल कमिटी एंड डी ऑल ऑफ द दबो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए सोन सी विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरी वन एल्स भोली की टीचर ने उसे आश्वासन दिया कि जल्द ही वो सभी लोगों की तरह अच्छी तरह से बोल पाएगी वाई वाज रामलाल वर अबाउट भोली रामलाल भोली को लेकर क्यों चिंतित था उसे भोली की चिंता क्यों थी ऑप्शन ए शी वॉज टू कनिंग बी शी वॉज नाइदर गुड लुकिंग नॉर इंटेलिजेंट

रामलाल ने भोली का रिश्ता किसके साथ तय किया था ऑप्शन ए हरिनाथ, बी प्राणनाथ, सी दीनानाथ एंड डी बिशंबरनाथ द राइट आंसर इज ऑप्शन डी बिशंबरनाथ केम टू मैरी भोली वाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्टिशंबर मैरिज प्रपोजल दिशंबर का जब भोली के लिए रिश्ता आया तो रामलाल और उसकी पत्नी ने वो स्वीकार क्यों कर लिया ऑप्शन ए बिकॉज ही हैज़ ए बिग शॉप बी ही हैज़ ए हाउस सी ही हैज़ गुड बैंक बैलेंस एंड डी ऑल ऑफ द अबो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अब ही हैज़ ए बिग शॉप एंड हाउस एंड गुड बैंक बैलेंस ऑल्सो हाउ डिड ही रिएक्ट ऑन सींग भोलीज फेस विशंबर ने शादी के वक्त जब होली का चेहरा देखा तो उसने क्या किया ऑप्शन ए ही आस्ट फॉर कंपनसेशन बी ही गॉट फ्राइटन सी बोथ ऑफ दीज एंडी नन ऑफ द राइट आंसर इज ऑप्शन ए ही आस्ट फॉर कंपनेशन उसने भोली के पिता से पैसों की मांग की वट वॉज इन भोलीज आइज वेन दॉ पुल डाउन द सेकेंड टाइम जब दूसरी बार भोली का पल्लू सरकाया गया तो उस वक्त भोली की आंखों में बिशंबर के लिए क्या था ऑप्शन ए हेट, बी फियर सी कंटेम्प

सी टेलीजन एंड डी ऑल ऑफ द अबो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए शादी के वक्त दिशंबर ने रामलाल से पैसों की मांग की हु इज रेफर टू एज द आर्टिस्ट इन द लेसन इस लेसन में आर्टिस्ट यानी कि कलाकार किसे कहा गया है ऑप्शन ए Friend, B, भोली इज फ्रेंड बी भोली हिमसेल्फ सी भोली इज काउ एंड डी भोलीज टीचर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी आर्टिस्ट भोली की टीचर को कहा गया है वाई वाज भोली ऑलवेज डिस्क्रिमिनेटेड इन द चैप्टर भोली इस लेसन में भोली के साथ भेदभाव क्यों होता था ऑप्शन ए शी हैड पॉक मार्क्स ऑन हर फेस बी शी स्टैमर्ड सी शी वॉज ए सिंपल टन एंड डी ऑल ऑफ द दबोव द राइट आंसर इज ऑप्शन डी वट वाज द रीजन फॉर भोलीज ट्रांसफॉर्मेशन एज इन द चैप्टर भोली इस लेसन में भोली में जो परिवर्तन आया उसका क्या कारण था वो कैसे आया ऑप्शन ए बिकॉज ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी बी एजुकेशन सी अ विजिट टू द पार्लर एंड डी ऑल ऑफ दबो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी एजुकेशन भोली में जो परिवर्तन आया वो सब शिक्षा के कारण आया उसकी पढ़ाई के कारण आया वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन डिड एजुकेशन ब्रिंग इन भोली शिक्षा ने भोली में कौन से बदलाव किए ऑप्शन ए शी बिकेम फियरलेस बी शी बिकेम करेजियस सी शी बिकेम कॉन्फिडेंट एंड डी ऑल ऑफ द राइट आंसर इज ऑप्शन डी All the changes occurred in Bholi due to her education. Bholi was the dash of all the other siblings. Option A eldest, B youngest, C brightest, and D smartest. The right answer is option B Bholi was the यंगेस्ट ऑफ ऑल दी अदर सिबलिंग्स भोली अपने सभी भाई बहनों में सबसे छोटी थी हु इज दी राइटर ऑफ द लेसन ये लेसन किसने लिखा है इसके राइटर कौन है ऑप्शन ए के ए अब्बास बी वल्ली कन्न सी रस्किन बॉन एंड डी रॉबर्ट आर्थर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए द राइटर इज ايه عباس خواجه احمد عباس